हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, ध्रुवित को मिला है एक सुंदर सा गिफ्ट जो कि दिया है उसको उसके मामा मामी ने, और जो कि है अमेजोन ब्रांड सोलिमो का स्लाइडर। और ये जो स्लाइडर है ये बास्केटबॉल के साथ है। दिस इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। और जो इसका एज रिकमेंडेशन दिया हुआ है दैट इज 24 मंथ्स टू 8 ईयर्स ओल्ड बेबी। और गाइस, इसकी जो वेट कैपेसिटी है वो है 30 kg तक की। तो चलिए, इसको असेंबल कैसे करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको इसके फीचर्स भी बताऊंगी। तो चलिए अब इसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब आप ये देख रहे हो, ये स्लाइडर के सारे पार्ट्स मैं बॉक्स को ओपन कर चुकी हूँ। तो चलिए अब धीरे धीरे इसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये थोड़ा गीला हो चुका है इसलिए इसका कलर ऐसा हो चुका है। आपको इंस्ट्रक्शन चार्ट मिलेगा इसमें, जिसके अंदर स्टेप वन सारे प्रोसीजर हैं कि आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है। मैं भी इसे पढ़कर ही मैं इसको रीड कर चुकी हूँ, तभी मैं इसको अब इंस्टॉल करने वाली हूँ। अभी हमारे पास दो स्लाइड है, एक ये बिग वाला और एक स्मॉल वाला स्लाइड। अब हम सबसे पहले इन दोनों को अटैच करेंगे। असेंबल करने के लिए मुझे सारे कनेक्टिंग पार्ट्स इसमें मिले हैं, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मैं पहले इसके सारे पार्ट्स निकाल के अपनी साइड में रख लेती हूँ। ये मुझे यहाँ पे एलन की और ये बोल्ट दिया गया है। तो चलिए हम पहले दोनों स्लाइड को कनेक्ट करते हैं। ये जो ब्लू वाला है, जो स्मॉल वाला है, इसको हमें बड़े वाले के ऊपर रख के फिर कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसको एलन की हेल्प से नट को एकदम टाइट कर देती हूँ। ये मेरा कंप्लीटली टाइट हो चुका है। डन। ये जो मेरा स्लाइड है अब वो कंप्लीटली रेडी हो गया है। अभी हमारे पास गाइस दो हैंड सपोर्ट हमें मिले हैं, तो वन बाय वन करके लेफ्ट वाला फिर राइट वाला हैंड सपोर्ट को ज्वाइन करते हैं इसके साथ। इसे आपको स्मॉल नट्स मिलेंगे। आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो कि मैं एक साइड का जो हैंड सपोर्ट है वो फिक्स कर चुकी हूँ, तो आप जरा अच्छे से देख लो। अब ये स्मॉल नट्स हैं वो मुझे इनके अंदर फिक्स करने हैं। इसको टाइट करने के लिए आपको ये मिलेगा, आप इसकी हेल्प से टाइट कर सकते हो। अब गाइस, मैं इसकी हेल्प से इसको थोड़ा टाइट कर लेती हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि यहाँ से टाइट करना है कि यहाँ से, तो आप एक बार देख लीजिए आपको यहाँ से टाइट करना है, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन से ट्राई कर रही थी और मैं इतनी देर से लगी हुई थी और वो टाइट नहीं हो रहा था। फर्स्ट वन मेरा कम्प्लीटली टाइट हो चुका है, ये मेरा लग चुका है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को असेंबल करते हैं, राइट साइड को, हैंड सपोर्ट को। ये मेरा फिक्स हो चुका है, बस अब मुझे बोल्ट की हेल्प से इसको टाइट करना है। पहले मैं इसको बस लगा के छोड़ देती हूँ, टाइट मैं एक साथ बाद में कर लूंगी। चलिए गाइज, अभी हम मेरे हैंड सपोर्ट के लेफ्ट और राइट वाले पैनल दोनों लग चुके हैं। हम क्या करेंगे, अब हम इसके स्टैप अटैच करेंगे। यहाँ पे सोलिमो का ब्रांड का नेम आपको लिखा हुआ दिख रहा है,
तो ये वाला पोर्शन बाहर की साइड आएगा आपका। अभी हमारा ये थोड़ा सा इसका पार्ट बाहर आ गया है, तो अब हमारे लिए इजी है इसको कैप को बाहर कैप को कसने के लिए थोड़ा। तो चलिए गाइस, अब हमारा एक जो साइड का सपोर्ट है स्टेप का वो रेडी हो चुका है। अब हम वन बाय वन करके इसके स्टेप लगाते हैं। ये जो पोर्शन है ये नीचे आएगा, सेम आपको इसी कैप से इसको टाइट करना है। हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है, अब आप एक बार देख लीजिए इसको। तो अब हमें इसके साथ मिला है ये हैप्पी स्टेप्स। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे अटैच करना है, तो चलिए अब आप ये भी देख लीजिए। दो स्टेप जो आपके हैं, इन दो स्टेप के बीच में मुझे ये थोड़ा सा फोर्सफुली कनेक्ट करना पड़ेगा। डन गाइस, ये वैसे ये जो हैप्पी स्टेप्स है, आप सोच रहे होंगे ये किस लिए दिए हैं, ताकि बच्चा जब इसके ऊपर अपने स्टेप रखे तो दो स्टेप के बीच में उसका पैर ना चला जाए, वो स्लिप ना हो जाए। तो फुल प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हुए इसके लिए ये आपको ये हैप्पी स्टेप्स प्रोवाइड कराए गए हैं। डन। अब ये थर्ड वन और दिया है, अच्छा थर्ड वन यहाँ के लिए दिया है। डन गाइस, मैंने आपको इसके फीचर्स तो बताए नहीं, तो चलिए एक बार इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो जो ये मटेरियल है वो है पी मटेरियल, जिसे आप बोल सकते हो काइंड ऑफ प्लास्टिक, जो कि आपका नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। और मैंने आपको इसका पहले बताया था, इसकी जो वेट कैपेसिटी है वो है 30 kg तक की, और ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। जो आप इसका ये सिटिंग स्पेस देख रहे हो, वो सिटिंग स्पेस भी अच्छा है, काफी ब्रॉड है, और जो इसकी ग्रिप है बच्चों को पकड़ने के लिए, वो ग्रिप भी काफी अच्छी दी हुई है इन्होंने। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है ये बास्केटबॉल की रिंग लगाना। तो उसके लिए सबसे पहले शायद मुझे नेट लगाना पड़ेगा, नेट मैं बाद में लगा लूंगी, पहले मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। आपको दोनों साइड दिए गए हैं, आप किसी भी साइड इसको रिंग को लगा सकते हो, तो मैं राइट साइड में लगाऊंगी। डन। अब यहाँ पे आपको मिलती है ये बॉल, जो कि है प्लास्टिक की। तो चलिए उससे पहले अब मैं ये नेट भी लगा ही लेती हूँ। तो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।